नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए हमने रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़। में हम 50 टेस्ट जो है 50 टेस्ट करेंगे इसमें, और ये टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 टेस्ट हम कर चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और वीडियो के अंत में बताऊँगा कि इन सब की PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हर रैपिड फायर टेस्ट सीरीज में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, भारत के महाधिवक्ता और सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उपराष्ट्रपति? तो राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च जो न्यायालय है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है, वो ही जो है इसमें सब कुछ हमने माना है। क्लियर है? तो वही व्याख्याकार है और वही इसका संरक्षक है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है? प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में जो हमारा ब्लड है उसमें पाए जाने वाली जो धातु है, कैल्शियम, सोडियम, लोहा, या फिर जिंक? तो राइट आंसर क्या होगा? जो है लोहा होता है हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पहले एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बने? अरविंदो घोष, अगरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक? तो राइट आंसर क्या होगा? अरविंदो घोष, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2, या फिर 38.7? तो राइट आंसर होगा 29.2% के ऊपर जो है पृथ्वी के जो धरातल पे है, इतने 29.2% पे महाद्वीपों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान में सुनिश्चित किया गया? मौलिक अधिकार है ये हमारा, आर्थिक अधिकार है ये, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट है, या फिर ये हमारा मौलिक कर्तव्य है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये एक पार्ट है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, कॉपर हाइड्राइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, या इनमें से कोई भी नहीं बनता? तो कौन सा बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यदि हम वायु में जो है कॉपर को जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड यौगिक बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सावधिक अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो हम बात करें जो कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार। राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 22, 25, 40, या फिर 28? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 2 माह, 6 माह, या फिर 4 माह के अंदर? तो आप सब जानते हैं कि जब भी पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर जो है हमें जो है निर्वाचन करवाने होते हैं, इलेक्शन करवाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अरब सागर में गिरने वाली नदी गोदावरी, कृष्णा, माही, या फिर महानदी? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, या फिर फुटबॉल? तो लॉन टेनिस के लिए जो है सानिया मिर्जा चर्चित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च, या फिर 22 मार्च? तो विश्व जल दिवस की हम बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल? तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? त्राइन का जो फर्स्ट बैटल है इसकी हम बात करें, एक सेकेंड, तो त्राइन का जो बैटल है 1191 में
जो तराइन कहाँ पड़ता है, करनाल हरियाणा में, तरौरी भी बोलते हैं, तराइन भी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो पहला युद्ध लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय की विजय हुई थी। फिर 1192 में ही तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। क्लियर है। अगला, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटनोम परमाणु संयंत्र, कुडनाकुलम परमाणु संयंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला आप सब जानते हैं कि तारापुर परमाणु संयंत्र है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि तारापुर जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था, कौन से स्थान पर लगा था। ठीक है, मतलब इसमें राज्य कौन सा है वो बताना है आपको। निम्नलिखित में से विश्व का, सॉरी एक क्वेश्चन बीच में जो है हमारा स्किप भी हो गया होगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है यहाँ तक आपको? हाँ तारापुर वाला क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश की हम बात करें तो वो कौन सा देश होगा? केन्या, श्रीलंका या फिर भारत? तो कौन सा है? भारत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा, मेघना, डेन्यूब या फिर ओल्गा? तो गंगा जो नदी है इसको किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश के अंदर? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और इसको पद्मा नाम से वहाँ पर जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988, 1999 या फिर 1995 में? तो भारत में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी, 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तापीय पर, तो तापीय पर तो कोयला करता है, संलयन पर, विखंडन पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किस पर करता है? विखंडन पर करता है। ठीक है, परमाणु। और लास्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 16, 18 या 11? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, वेदों को समझने के लिए पुराणों की रचना की गई है। तो ये था हमारा रैपिड फायर टेस्ट सीरीज नंबर 4। ऐसे ही आप जो है ये 50 जो है टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। तो ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है सारी बातें बता दी जाएंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी क्या क्या बेनिफिट होंगे व्हाट्सएप ग्रुप के। और आपको जो है 9728714677 पे जो है दिल्ली पुलिस लिख के भेजना है भाई, टारगेटेड है ये, तो दिल्ली पुलिस को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो जो चीज़ें मिलने वाली है, 50 रैपिड फायर टेस्ट, 20 फुल लेंथ टेस्ट और जीके के सारे नोट्स, करंट एक साल का करंट अफेयर, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग, सभी कंप्लीट पैकेज आपको इसमें मिलेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप इसको शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।